जय हिंद दोस्तों। लूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो ऑटो पार्ट्स के कारोबार में है, स्मॉल कैप का हिस्सा है और 780 नंबर पर रैंक करता है स्टॉक। इस स्टॉक के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। और स्टडी शुरू करने से पहले एक अपडेट, लाइक ऑलवेज। और अपडेट है ये, 11 मई 2021 टाटा पावर के स्टॉक के ऊपर हमने स्टडी की थी, वीडियो नंबर 421। आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और क्लियरली देखने मिला मिल रहा था स्टॉक में तेज़ी बनती है, 115 को क्लियर करता है, उसके ऊपर स्टॉक बंद होता है। तो जिस रेंज में स्टॉक जा सकता है, जिस रेंज को ब्रीच कर सकता है, वो है 125। सो पिछली बार जब मैंने चेक किया था, नॉट एग्जैक्टली आज, बट पिछले कुछ दिनों में 125 को तो ब्रीच किया, बट 130 का जो लेवल है उसको भी स्टॉक ने छू लिया। एंड स्टॉक जो है अभी थोड़ा सा ऊपर से कूल ऑफ हो गया है। सो प्रेजेंटली अगर आपको नई पोजिशन बनानी है तो थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर कीजिए, स्टॉक को सेटल होने दें, कंसोलिडेट होने दें, एंड फिर उसके ऊपर आप प्लान कीजिए। अभी हम स्टडी करेंगे लूमैक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। मार्केट कैप 1434 करोड़, स्टॉक की PE 79, 52 वीक लो 1040 और 52 वीक हाई 1820। क्वार्टरली नंबर्स को चेक करेंगे और क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पर हमारे सामने आ चुके हैं। एंड हर स्टॉक में असली जो खेल होता है वो यहीं पर होता है। एंड ये जो नंबर्स को अगर आप स्टडी करना सीख गए तो मार्केट में, यानी कि इक्विटी मार्केट्स में, शेयर बाज़ार में काम करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स में हमें क्या चेक करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ध्यान हमें सिर्फ चार चीज़ों पे देना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट एंड EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। और यहाँ पर हम पिछले चार क्वार्टर को कंपेयर करेंगे, दैट इज जून 2020, सितंबर 2020, दिसंबर 2020 एंड मार्च 2021। सो सबसे पहले शुरू करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जून 2020 में कितना था, -40 करोड़। और हाँ, ये सारे नंबर करोड़ में है, ठीक है। -40 का नंबर जून 2020 में। फिर सितंबर में आया टर्न अराउंड एंड पॉजिटिव नंबर, 35 करोड़ का पोस्ट किया। फिर नंबर में और बढ़त आई, 48 करोड़ का नंबर दिसंबर 2020 एंड मार्च 2021 में सिर्फ 1 करोड़ की बढ़त, दैट इज 49 करोड़ का नंबर। बट स्टिल पिछले चारों क्वार्टर का बेस्ट नंबर मार्च 2021 में कंपनी ने पोस्ट किया है। आगे बढ़ेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जून 2020 -59। फिर आगे बढ़ेंगे 15 का पॉजिटिव नंबर, पूरी तरह से टर्न अराउंड। सितंबर 2020 का जो क्वार्टर है, यहाँ पे पूरी तरह से टर्न अराउंड देखने मिलेगा आपको सारे नंबर्स जब हम चेक करेंगे। नेक्स्ट दिसंबर 2020 में 35 करोड़ और बढ़त एंड मार्च 2021 में और थोड़ी सी बढ़त, 42 करोड़ का नंबर। सो चारों क्वार्टर का बेस्ट नंबर यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज नेट प्रॉफिट, -32 करोड़ जून 2020। फिर पॉजिटिव नंबर 7, टर्न अराउंड सितंबर 2020। फिर से बढ़त 20 करोड़ दिसंबर 2020 एंड 3 करोड़ की बढ़त मार्च 2021 में। लास्ट EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, -33.81 का पोस्ट किया जून 2020 में। फिर बढ़त आई 7.73 का EPS सितंबर 2020 में, पॉजिटिव नंबर। एंड यहाँ पे ये नंबर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया, 21 की EPS दिसंबर 2020 में एंड फिर फाइनली मार्च 2021 में EPS हो गई अराउंड 24.28 की। सो नंबर्स में हमें क्या देखने मिल रहा है, पिछले चार क्वार्टर के जो बेस्ट नंबर थे कंपनी ने मार्च 2021 में कंपनी ने पोस्ट किए हैं। सो कंपनी जो है हर क्वार्टर में धीरे धीरे करके ग्रो हो रही है। अब हम जाएंगे बैलेंस शीट में एंड यहाँ पे हमें क्या स्टडी करना है, बोरोइंग्स। और बोरोइंग्स जो मार्च 2021 के हिसाब से, दैट इज 338 करोड़ एंड पिछले साल थी 347 करोड़। सो प्रेजेंट ईयर में यहाँ पे कमी देखने मिल रही है एंड ये पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, एसेट्स है 1362 करोड़ के, ये भी बढ़िया बात। सो ऑलमोस्ट कंपनी की जो मार्केट कैप है 1434, उसके आसपास कंपनी के पास एसेट्स है, दैट इज 1362 करोड़, पॉजिटिव बात। नेक्स्ट जो हमें चेक करना है वो है प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग एंड FIIs की शेयर होल्डिंग। एंड यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, प्रमोटर्स 75% की शेयर होल्डिंग, बढ़िया बात, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रमोटर को कंपनी के ऊपर। फिर विदेशी संस्था है, दैट इज FIIs, 0.64% की होल्डिंग सिर्फ। एंड घरेलू संस्था है यानी कि DIIs 1.12 एंड पब्लिक के पास भी बढ़िया 23.24% की होल्डिंग। सो यहाँ पे हमें फंडामेंटल्स में, नंबर्स में हमें क्या देखने मिल रहा है, हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे और वो है ये, पिछले चारों क्वार्टर के जो बेस्ट नंबर थे कंपनी ने मार्च 2021 के क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किए, मतलब हर क्वार्टर में धीरे धीरे कंपनी ग्रो हो रही है, पॉजिटिव बात। नेक्स्ट, कंपनी का जो कर्ज था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, इस साल कम हो गया है, ये भी पॉजिटिव बात। एंड जितना मार्केट कैप है उतने के ही एसेट्स कंपनी के पास है, फिर से पॉजिटिव बात। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो पॉजिटिव बात देखने मिल रही है, प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो है 75%, ये बताता है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे कितना कॉन्फिडेंस है।
आगे बढ़ेंगे, टेक्निकली स्टडी करेंगे चार्ट पैटर्न्स पे। उसके पहले एक अपडेट, और अपडेट है ये, अगर आप इक्विटी मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यानी कि मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से स्विच करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप इक्विटी मार्केट में नए हैं, आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, तो आप अपना अकाउंट 5paisa.com के साथ ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर जो चार्ज पे करना है, दैट इज़ ब्रोकरेज पे करना है, वो है 20 rupees पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। वो ऑर्डर किसी भी वैल्यू का हो सकता है, किसी भी सेगमेंट का हो सकता है। साथ में अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, तो पहले महीने के लिए आपको जो ब्रोकरेज चुकानी है वो है 0। साथ में आपको 250 rupees यानी कि 250 rupees की क्रेडिट भी मिलेगी। अब हम जाएंगे चार्ट पैटर्न्स पे, और ये है चार्ट पैटर्न लूमैक्स इंडस्ट्रीज़ का पिछले 6 महीने का। जी हाँ, पिछले 6 महीने के आसपास का चार्ट है, एंड यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टॉक देखिए किस तरह से काम कर रहा है। स्टॉक ने यहाँ पर अपने ट्रायंगल पैटर्न को कंप्लीट कर दिया एक, ओके, इसे मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर। ट्रायंगल पैटर्न को एग्जैक्टली कंप्लीट कर दिया, इसे थोड़ा सा थिन कर देता हूँ मैं। ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया, एंड इसी ट्रायंगल के अंदर साथ में स्टॉक ने अपने और एक पैटर्न को कंप्लीट किया, और वो है ये कर्व पैटर्न को। देख लीजिए किस तरह से एग्जैक्टली अपने कर्व पैटर्न को स्टॉक ने कंप्लीट कर दिया। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा कलर जो है इसका चेंज कर देता हूँ, ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, और आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों स्टॉक ने जो है एक हमें क्या देखने मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस बना लिया, एंड वहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। जी हाँ, तो हम यहाँ पे एक बेसिक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए एंड एग्जैक्टली क्या देखने मिल रहा है, स्टॉक एग्जैक्टली जो ट्रेंड लाइन है उसी के आसपास काम कर रहा है। जी हाँ, सो हो सकता है आने वाले दिनों में स्टॉक कंसोलिडेट हो, और कंसोलिडेट होते होते स्टॉक में हो जाए ब्रेकआउट। और यहाँ पर भी स्टॉक ने अपनी कर्व पैटर्न जो है उसे कंप्लीट कर दिया है। देखिए कर्व पैटर्न को कंप्लीट कर दिया है। नाउ पिछले कुछ दिनों से स्टॉक जो है लगातार नीचे गिर रहा है। जी हाँ, लगातार नीचे गिर रहा है। अब स्टॉक को अगर रुकना है तो किस लेवल के आसपास रुक सकता है, एंड एग्जैक्टली उसी के आसपास स्टॉक आगे खड़ा हो गया। एंड ये जो लो मतलब कहाँ रुकेगा वो जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना है, और वो जो रेंज है वो ये है। ठीक है, ये जो रेंज है इसे आप देख लीजिए, यहाँ की जो रेंज है, मैं सबसे पहले आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये जो रेंज है सब कुछ इसी में छुपा हुआ है, थोड़ा सा पीछे जाना होता है, दैट्स इट। एंड यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है, यहाँ की सबसे वीकेस्ट क्लोजिंग कौन सी है। जी हाँ, वीकेस्ट क्लोजिंग कौन सी है वो मैं आपको बताता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, यहाँ पे आप क्लोजिंग पे ध्यान दीजिए, जो सी लिखा है वहाँ पे देखिए 1530 1537 भी दिया है, 1542 46, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1521.5, इसको नोट कीजिए 27 अप्रैल 2021। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लोजिंग देखिए 30 अप्रैल, फिर से 1521.55, एंड नेक्स्ट 1553 35 21.7, फिर से। सो 1521 का जो नंबर है ना, वो आप अगर आप नोटिस किया होगा तो 3 बार आया है। जी हाँ, 3 बार स्टॉक 1521 पे आसपास, 21 के आसपास स्टॉक बंद हुआ है, एंड वहीं से स्टॉक जो है रीबाउंड हुआ है, सॉर्ट ऑफ बाउंस हो गया हम कह सकते हैं। सो 1521 इस पे ध्यान रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। मैं लेवल लिख देता हूँ सबसे पहले, 1521 22 कह सकते हैं हम, एंड ये मेजर सपोर्ट भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अब स्टॉक अगर इसको निकाल देता है ना नीचे की तरफ, तब जो है स्टॉक में और गिरावट देखने मिल सकती है, एंड वो गिरावट में स्टॉक नीचे की तरफ कहाँ पे जा सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ और कहाँ पे जा सकता है वो मैं आपको बता दूँ, एंड वो जो लेवल है वो है ये। सबसे पहले जो लेवल नीचे की तरफ देखने मिल सकता है वो है 1475 से लेके 1400, एंड फंडामेंटली बहुत ही मजबूत स्टॉक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे इन लेवल के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट के लेवल्स, ओके। नेक्स्ट, अब हम बात, एंड और एक चीज़ बता दूँ, ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है जो फंडामेंटली जिस तरह से स्टॉक काम कर रहा है, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। ठीक है, लाइक 3 महीने 6 महीने 1 साल का नज़रिया होगा, तो धीरे धीरे करके आप अक्यूमलेट करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस की भी अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार नीचे गिर रहा है, एंड इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसी जोन में सब कुछ छुपा हुआ है। और वो लेवल कौन सा है, जिस तरह से हमने यहाँ पे इस जोन की लोएस्ट क्लोजिंग देखी, उसी तरह से हाईएस्ट क्लोजिंग को देखना है। तो 20 अप्रैल को क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे आप सी पे ध्यान दीजिए क्लोजिंग पे, 1562 की क्लोजिंग। फिर और आगे बढ़ेंगे, 1537 1542 46 21 42 43 53 35 21 28 फिर 36, एंड यहाँ पे डायरेक्टली देखने मिल रहा है बड़ा वाला कैंडल 1608 का। ठीक है, सो ये जो रेंज की शुरुआत वाला जो दिन था ना हमने चेक किया था 20 अप्रैल,
1562 इज द हाईएस्ट क्लोजिंग, आप देख लीजिए यहाँ पे 1562, एंड उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक बेसिक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 1562, एंड उस लाइन को मैं यहाँ तक खींच देता हूँ, ठीक है, एंड इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन। बेसिकली ये जो लाइन है इसे भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जो सपोर्ट वाली लाइन है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट तेजी का राउंड कब शुरू होगा, जब स्टॉक बंद होगा 1562 1563 इसके ऊपर, 1562 की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। अब इसके ऊपर स्टॉक अगर बंद होगा तो कौन से लेवल के आसपास जा सकता है वो भी मैं आपको बता दूं, और जिस रेंज में स्टॉक जा सकता है वो है ये, और वो है सबसे पहले 1640 से लेके 1710, इस रेंज में स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। शर्त ये है मार्केट तेज़ी में आना चाहिए, एंड 1562 की जो क्लोजिंग है उसको स्टॉक डिसाइसिवली मतलब क्लियर करना चाहिए पावर के साथ। ओके, एंड आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो दोस्तों, ये है बेसिक सिंपल सरल सिंप्लीफाइड मैनर में एनालिसिस लूमैक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो ऑटो पार्ट्स के कारोबार में है। नीचे की तरफ पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़िया तेज़ी से स्टॉक निकला है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। अगर उसे रुकना है तो 1522 के आसपास रुकना है, या फिर वहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ा, एंड वहाँ से फिर से रिबाउंड हो जाएगा। 1522 को तोड़ दिया तो 1475 1400 यहाँ पे आप, अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, या फिर फ्रेश बाइंग को भी इनिशिएट कर सकते हैं इस रेंज में। एंड ऊपर की तरफ की बात करें तो मार्केट तेज़ी में लौटता है तो 1562 की क्लोजिंग पे ध्यान दें, उसको अगर निकाल देता है स्टॉक तो 1640 1710 इस रेंज में स्टॉक जा सकता है। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।